प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को कृषि बिल के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया और कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है। इस बिल से किसी भी किसान को बंधुआ नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों को कानूनी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान अपने सामानों को कहीं पर किसी को अपने मनचाहे दामों के अनुसार बेच सकता है। उन्होंने कहा विपक्षी दलों के द्वारा किसानों में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि MSP बंद कर दी जाएगी, जबकि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। और विपक्षी दल कह रहे हैं कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आगे भी MSP पर खरीदारी होगी और मंडियां बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा विपक्षी दल बिल के बारे में किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल में बीज के दलालों को कुछ नहीं मिलेगा। उनकी वजह से ही किसानों को पूरा मूल नहीं मिलता था, जिससे किसान आत्महत्या करते थे, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बिल को लाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा का ऋण है, और इसलिए योजना बनाते समय कृषि को ही सर्वाधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और उस समय से उन्होंने बाजार के एकाधिकार को समाप्त किए जाने के लिए सरलीकरण की दृष्टि से किसान को कैसे अच्छी कीमतें मिल सके,
ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को उससे तेज गति कैसे दिया जा सके और कृषि आधारित कुटीर उद्योग धंधों को कैसे विकसित किया जाए, उन्होंने अपने दर्शन के भीतर बहुत पहले से इस बात को कह रखा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी भी हमारी सरकार बनी उस दृष्टि को फोकस रखते हुए हमने काम किया और उसी का परिणाम ये रहा कि राज्य के भीतर जब जब भाजपा आई है या देश के भीतर आई है तो कृषि क्षेत्र की व्यवस्था के सुधार की दृष्टि से हम लोगों ने काम किए। 2013-14 में कृषि का बजट जो है वो 12,000 करोड़ रुपए था। आप इसे अनुमान लगाइए कि वो किस तरीके से उपेक्षा कर रहे थे। पूरे देश भर के लिए 12,000 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था कृषि क्षेत्र के लिए थी। मोदी जी की सरकार ने 2019-20 के वित्तीय बजट में 1,34,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है, जो उनसे 10 गुना ज़्यादा है। ये इसलिए हुआ है कि हमारा वो उनका नारा हो सकता था, लोगों को गफलत किए जाने के लिए हो सकता था, हमारी प्रतिबद्धता थी कि हम बाजार की सुधार को किए जाने के लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने जनसंघ के अनेक रिजोल्यूशन से शुरू किया था कि ईसी एक्ट जो है वो समाप्त किया जाना चाहिए, एपीएमसी एक्ट भी कांग्रेस ने ही ला करके खड़ा किया था। और कॉन्टेक्चुअल खेती मेरे पास है कि किन किन राज्यों के भीतर कांग्रेस की हुकूमत ने कब कब जो है कॉन्टेक्चुअल खेती शुरू किया। हरियाणा में वो हुड्डा जी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, 2007 में किया। कर्नाटक के भीतर कांग्रेस की सरकार ने 2003 में कॉन्टेक्चुअल खेती शुरू किया। महाराष्ट्र में 2006 में किया। मध्य प्रदेश के भीतर 2003 में किया। और अभी देवेंद्र फडणवीस जी के अध्यक्षता में जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कृषि क्षेत्र के सुधारों की दृष्टि से नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर प्रधानमंत्री जी ने उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसमें माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप से हिस्सेदारी बता रहे हैं और पंजाब के रूप वित्त मंत्री अभी भी हैं और कृषि मंत्री थे वो भी उसके सदस्य थे। और मुझे महाराष्ट्र में जो मुंबई के भीतर बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से अपनी जगह मुझे अधिकृत करके और उस बैठक में शामिल करने के लिए कहा था। और कमलनाथ जी ने जो उस समय बात जो कही, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि के विपणन को अपग्रेड किया जाना चाहिए, एपीएमसी एक्ट में सुधार किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वार्ड जो संविदा के खेती में को बनाया जाना चाहिए और कानून के माध्यम से संविदा खेती, उन्होंने तो यहाँ तक आगे बढ़कर के कहा कि लैंड लीजिंग लागू किया जाना चाहिए। तो हमने लैंड लीजिंग नहीं लागू किया है, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिए और जो कांग्रेस के लोगों ने जो भाषण दिए, हमारा शुरू से ये ध्येय रहा है कि इस देश के आधार स्तंभ किसान हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 15 अगस्त को लाल किले से ये बोलते हुए कहा था कि मेरी सरकार के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, किसान का है, मजदूर का है। ये उसी समय उन्होंने संकेत दिया और उस दृष्टि से ये सारे व्यापक सुधार के कार्यक्रम किए हैं। हम अपने एजेंडा पर चल रहे हैं, हम उनके एजेंडा पर नहीं चल रहे, क्योंकि जो अब आज ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भ्रम के निवारण के लिए मैंने आपके सामने रखा है कि उन्होंने कब तक इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने किया नहीं, हमने जो कहा हमने उसको किया। ये बाध्यता नहीं थी किसान को कि वो गन्ना मिल पर गन्ना गिराए, कभी नहीं था। वो चाहता तो अपने खेत पर कुल्लू चला सकता था, क्रशर लगाना चाहता था तो क्रशर लगा कर क्रशर वाले को दे सकता था, ये उसकी आज़ादी थी। कभी भी ये बाध्यता उसको नहीं रही है कि आप जो है वो गन्ना मिल करने पर ही गिराएंगे। इस कानून के भीतर भी ये बाध्यता नहीं है कि आप ले जा करके जो निजी जाएगा उसी को देंगे। हम MSP पर खरीदारी करेंगे, MSP पर जो खरीदारी हम करते हैं, यदि आप ला रहे हैं, जैसे हमने धान के MSP के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया है, तो जो आएगा किसान हम उसका खरीदेंगे, जो नहीं आएगा, जो जाता है बाजार में बेचना चाहे तो बाजार में बेचने की उसको स्वतंत्रता मिल गई। यदि वो दो महीना अगर करके बेचना चाहता है और उसको लगता है कि आने वाली संभावनाओं में हमें ज़्यादा दाम मिल जाएगा, जैसे गत वर्ष हमने 1825 रुपये में गेहूँ खरीदा था और बाजार 2200 रुपये का गया, जिन किसानों ने रख नहीं बेचा था उन्हें 2200 रुपया मिला, यदि वो ऐसा करना चाहता है तो हम उसको बाध्य कैसे करेंगे।
तो उसके पास ये आज़ादी है कि वो जहाँ पर चाहे वहाँ पर बेचे। MSP पर जाएगा तो हम उसको खरीदेंगे। MSP पर अभी भी धान की खरीदारी के लिए इस साल भी हम लोगों ने 50 लाख मेट्रिक टन का उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है। 3000 हमारे क्रय केंद्र जो है संचालित होंगे। आज 1 अक्टूबर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ बासमती का फसल तैयार हो गया है, आज से हमारे क्रय केंद्र चालू हो जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर 1 नवंबर से हमारे क्रय केंद्र चालू हो जाएंगे। इस कानून के आने के बाद भी MSP पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के चारों वरिष्ठ नेताओं ने यह साफ रूप से कह दिया है, पार्लियामेंट के भीतर भी बता दिया है। हम अब जो बात कर रहे हैं उसकी हमारी बाध्यता है और हमने किसी प्रकार का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। दूसरी बात कि वह जमाना था कांग्रेस का जब चीनी मिलों पर बकाया खड़ा हुआ, वो जमाना रहा है मायावती जी का और अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने चीनी मिलों को बेचा और जो है औने पौने धामों पर जो है वो किसान और सरकार की संपत्ति को लुटा दिया। 3-3 साल 4-4 साल बकाए रखे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोविड के महामारी के बावजूद भी प्रदेश की 119 चीनी मिलों को हमने चलाया है। अकेले महाराष्ट्र में जहाँ आज कांग्रेस गठबंधन में सरकार है, 50 चीनी मिलें फरवरी महीने में बंद हो गई। हमने चलाया है 23 जून तक इस साल जो है अपने चीनी मिलों को, और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक खेत में गन्ना खड़ा रहेगा तब तक जो है हमारी मिल चलाई जाएगी। हमने चलाया, हमने किसान को पेरा, हम पैसे का भुगतान कर रहे हैं। और योगी जी के सरकार आने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना मूल्य का भुगतान हम किसान को कर चुके हैं और पिछले वर्षों के सारे बकाए हम साफ कर चुके हैं। इस साल का जो बकाया है चीनी मिलों के चलने के पहले सबका भुगतान हम करा देंगे, सुनिश्चित करा देंगे। तो एक तरीके से हम रेलिवेंट पोजीशन पर आ गए हैं कि हम तत्काल उसका भुगतान कर रहे हैं। यह 25-20 साल से जो कुव्यवस्था थी उसमें हमने सुधार किया है और वही सुधार सभी क्षेत्रों में करना चाहते हैं। धन्यवाद। ये जब जब दाम नीचे हो जाता है तो आप कहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, तो आज उसको अच्छी कीमत मिलने दीजिए। पुरुषोत्तम द्विवेदी और बाकी जिनको संरक्षण लेकर के चल रही थी। लेकिन सर उन्हीं चीजों को देखते हुए पिछली सरकारों को लोगों ने नकार दिया था, अभी वर्तमान में योगी सरकार है काफी। देखिए हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। 7 दिन के भीतर SIT बनाई गई है, जो 7 दिन के भीतर वो अपनी रिपोर्ट देगी और जो भी कल्पित से सबको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया है, कठोरतम उनको सजा दी जाएगी। ऐसी घटनाओं का मैं भर्त्सना करता हूं और ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब मिल करके और जागरूक करें जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण आगे की ओर बढ़े। किसानों के जिंदगी में व्यापक बदलाव इससे आएगा। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कृषि क्षेत्र के भीतर, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है। आज किसान को कानूनी बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया है, उसको सभी प्रकार की आज़ादी दे दी गई है कि किसान जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जितने दर पर बेचना चाहे वो उसको बेच सकता है। कुछ इसको लेकर के किसानों के भीतर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इससे MSP बंद कर दी जाएगी, ये बिल्कुल निराधार और गलत है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि मंडियाँ जो है वो जो पहले से चल रही संचालित राज्य की मंडियाँ हैं समाप्त हो जाएंगी। मैं ये साफ कर दूं कि MSP पर भी लगातार खरीदारी होगी और जो अगले 4 महीने के बाद फसल रबी की आने वाली है उसकी भी MSP 6 फसलों की प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित कर रखा है जिस पर उसकी खरीदारी होने वाली है। अभी खरीफ की भी हम खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत और अफवाह पैदा करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी और उनके साथ की विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात जो है वो जो मंडियों राज्य के बाहर ले जाए जाने पर जो रोक थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अन्य लोगों को भी अब विकल्प दे दिया गया है कि वो चाहे तो किसान के सामान को खरीद सकते हैं। उनके ऊपर से भंडारण की जो सीमा थी उसको समाप्त, इसी का जो पाबंदियाँ थी उसको समाप्त कर दिया गया है। कानून के भीतर इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि 3 दिन के भीतर किसान का जो खरीदारी होगा उसका पेमेंट किया जाएगा, किसान को उससे प्रोटेक्शन दिया गया है। और एक तरीके से एक देश और एक बाज़ार,
वह उसकी आज़ादी मिली हुई है जिसके बारे में वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात कॉन्टेक्चुअल खेती के बारे में कहते हैं कि इससे जो है वो पूंजीपतियों का खेत पर अधिकार हो जाएगा, यह भी कोरा बकवास है। इसमें कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है कि किसान अपने खेत को लीज पर देगा, वो लीज पर नहीं दे सकेगा ना उसको बिक्री कर सकेगा। सिर्फ जो है वो फसल लगाए जाने के पहले जो फसल तैयार होगी उसका भाव तय करके खेती उसके माध्यम से की जाई जा सकती है। जो इनपुट्स हैं वह इनपुट्स मुहैया किए जाने का एग्रीमेंट हो सकता किया जा सकता है और उसको पूरी कानूनी बाध्यता कानूनी जामा पहनाया गया है जिसमें किसान के हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। यदि कोई विवाद होगा तो आर्बिट्रेशन SDM आर्बिट्रेशन निर्धारित करेगा, तदनुसार ये दोनों पक्ष मिल करके सहमत हो जाएंगे तो ठीक, और नहीं तो उस परगने का SDM उसके बारे में मेरिट के आधार पर फैसला दे करके उसकी सुनवाई करेगा। तो हर प्रकार से किसानों का हित इससे संरक्षित किया गया है। इसका जो आने वाले दिनों में जो परिणाम होगा व्यापक कुटीर उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हो सकेंगे और निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर बढ़ सकेगा, बाजार विकसित हो सकेंगे और उसके माध्यम से जो है वो खाद्य प्रसंस्करण और लोगों के रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इससे जो है वो विपक्षी घबरा गए हैं और वह अनाप शनाप गलत झूठे मनगढ़ंत आरोपों को लगा करके किसान को गुमराह कर रहे हैं। जो किसान उन्होंने कभी किसानों का हित नहीं किया, उनकी वजह से किसान गरीब रहा, उनकी वजह से किसान जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा, उनकी वजह से किसान आत्महत्या करता रहा और आज यह एक रेडिकल परिवर्तन लाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है जिससे किसानों के जीवन में बेहतरी और खुशहाली लाई जा सके। चुनाव है तो चुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी, हम देवरिया चुनाव जीतेंगे। एक तरफ देखा जाए तो किसान बिल्कुल लगातार विरोध कर रहा है। किसान नहीं विरोध कर रहा है, कहीं नहीं सवाल खड़ा कर रहे, किसान कहीं नहीं विरोध कर रहा, ये वो कर रहे हैं जो कमीशन एजेंट थे। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लाइसेंस परमिट कोटा की राजनीति करती रही है और ऐसे बिचौलियों का मददगार रही है, वही लोग विरोध कर रहे हैं।